बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर किड्स, वेलकम टू मॉन्टेसरी ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू माय डियर किड्स? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड स्पेंडिंग अ क्वालिटी टाइम एट होम। आई एम योर टीचर अनिला खालिद। माय डियर किड्स, Today we will start our lesson with the message of the day. आपको याद है ना, टीचर क्लास में भी आपको मैसेज ऑफ द डे बताती थी। My lovely kids, today the message of the day is Allah loves those who keep themselves pure and clean. अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करते हैं जो खुद को पाक साफ रखते हैं। माय डियर किड्स, आप सब बच्चों को क्लीनलीनेस का बहुत ख्याल रखना है, तभी तो आप सब इस पेंडेमिक सिचुएशन में सेफ रहेंगे। माय लवली किड्स, आवर होली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, क्लीनलीनेस इज हाफ ऑफ द फेथ। सफाई निस्फ ईमान है। हम सबको साफ रहना चाहिए, तभी तो हमारा ईमान मुकम्मल होगा ना। इसलिए आप सबने अपनी सफाई का बहुत ख्याल रखना है, खुद को भी नीट एंड क्लीन रखना है और अपनी सराउंडिंग्स को भी नीट एंड क्लीन रखना है। आप सब ऐसा करेंगे ना? Yes, that's like my good class. आज टीचर आपको एक बहुत मजे की स्टोरी सुनाएंगी। Are you ready? Yes! So let's start our story. ये स्टोरी है आपके जैसे एक क्यूट से बच्चे की, जिसका नेम है पीटर। पीटर डेली स्कूल जाते हुए अच्छे से ड्रेसअप तो होता था, लेकिन अपने हेयर कॉम्ब नहीं करता था। उसकी मामा उसे कहती थी, प्लीज कॉम्ब योर हेयर, लेकिन वो अपनी मामा की बात को फॉलो नहीं करता था। पीटर जब स्कूल गया तो कोई भी उसका फ्रेंड नहीं बना, एंड एवरीवन वाज कीपिंग डिस्टेंस फ्रॉम हिम। सब उससे दूर दूर हो रहे थे। ही वाज वेरी टेंस, वो बहुत परेशान हुआ। फिर उसे उसकी एक क्लास फेलो ने बताया, यू हैड नॉट कॉम्ब्ड योर हेयर, That's why everyone is keeping distance from you, because you are not looking nice. Peter को फौरन अपनी मामा की बात याद आई कि हेयर कॉम्ब करना बहुत जरूरी होता है, to look neat and clean and nice. He went to the home. He said sorry to her mama. Peter ने अपनी मामा से sorry किया and promised her mama that he will comb his hair every day, कि वो daily अपने hairs को comb किया करेगा। So my lovely kids, our today's activity is combing hair. Dear parents, the objective of this activity is to improve manners and fine motor skills. My lovely kids, इस activity को perform करने के लिए you need only two things, a comb and a mirror. और ये दोनों चीजें आप सबके पास available होती हैं, so it's so easy. My little angels, do you know hair combing करने के कुछ steps होते हैं? Now teacher will tell you those steps. First, you will divide your hairs into two sections. Then grab the comb. Then comb at your right side. Yes, like this. Then comb at your left side. Yes. That's like a good girl. Now comb at your back.
Now teacher will show you a cute child who is combing his hair. Let's watch this video. This is the way we comb our hair, comb our hair, comb our hair. This is the way we comb our hair so early in the morning. This is the way we comb our hair, comb our hair, comb our hair. This is the way we comb our hair so early in the morning. My dear kids, now you all have learned How to comb your hair. अब आप सबने भी ऐसी ही वीडियो बनाकर टीचर को सेंड करनी है. Hope you have enjoyed this lesson a lot. Take care.